जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार के नेतृत्व में एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल बड़वानी कलेक्टर पहुंचा। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि प्रदेश में महिलाओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार मौन है। देश प्रदेश में भारी महंगाई से घर चलाने वाली महिलाएं पहले ही परेशान हैं और उन पर अत्याचार निरंतर हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बड़वानी जिले के सेंधवा में नाबालिग छोटी बेटी के साथ दरिंदे ने बलात्कार किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और दरिंदे को फांसी देने की मांग करते हैं। सागर जिले की खुरी तहसील के बरोदिया नौनगिर गांव में 9 महीने पहले एक ही परिवार के 3 सदस्यों को मौत के बाद सत्ता पक्ष से जुड़े दबंगों रसूखदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के संबंध में आपका ध्यान आकर्षण करा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार किसी भी प्रगतिशील और सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। सामाजिक न्याय के बड़े बड़े दावों के बावजूद दलितों के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही। क्या परिचय आपका? मैं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार। आज यहाँ कलेक्ट्रेट ज्ञापन देना है, किन मांगों को लेकर? आज हमने महामहिम राज्यपाल के नाम महिलाओं की तरफ से, महिला कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा है। इसमें मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं पे निरंतर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। आज हमने सागर जिले के खुरई तहसील के बोरावरी नोनावीर गांव में जो अंजना अहिरवार है, जिनके साथ अभी हाल ही में हत्या की गई, उन्हें एम्बुलेंस से धक्का देकर उनकी हत्या की गई एवं इसके पहले उसके चाचा और उसके भाई की भी हत्या की गई। वह एकमात्र ऐसी महिला थी, वह बहन थी जो कोर्ट में बयान देने जा रही थी, लेकिन उसके साथ भी अन्याय किया गया और उसकी हत्या की गई। साथ ही उसकी मां को भी निर्वस्त करके वहां के दबंगों द्वारा घुमाया गया। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी वो शासन सत्ता है जो मोहन यादव द्वारा चलाई जा रही है? मोहन यादव जी के राज्य में, बीजेपी सरकार के राज्य में महिलाओं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और मोहन यादव के संरक्षण में ही आरोपी खुले आम घूम रहे। हम महिला कांग्रेस की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फास्ट ट्रैक चलाकर फांसी दिया जाए ताकि मध्य प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और साथ ही पीड़ित महिलाओं को 1 करोड़ तक का मुआवजा दिया जाए।